रजौली थाना क्षेत्र के सिरोडावर पंचायत के सिरोडावर गांव और चौथा में खेत से साग तोड़ने को लेकर खेत मालिक ने युवती समेत 8 लोगों को मारपीट कर घायल कर दिया। सिरोडावर निवासी अशोक राजवंशी ने बताया कि मेरी पुत्री रेशमा कुमारी साग तोड़ने के लिए चौथा गांव के दिलीप यादव के खेत गई थी। इसी बीच दिलीप यादव व कुलदीप यादव के पुत्र भनभन यादव ने लाठी से मारपीट की। उसे बचाने आए उसके बिमलेश कुमार को भी लाठी से मारकर सर फोड़ दिया। जितने भी परिजन बचाने आए सभी को दबंगों ने मारपीट कर घायल कर दिया। घायलों को परिजनों की सहायता से अनुमंडलीय अस्पताल लाया गया। अस्पताल में ड्यूटी कर रहे चिकित्सक डॉक्टर मुन्ना दुषाद ने बताया कि युवती के पैर में गंभीर चोटें आई हैं। वही एक युवक का सर फटा हुआ है एवं अन्य लोग भी घायल हैं। घायलों की पहचान सिरोडावर निवासी अशोक राजवंशी की पुत्री रेशमा कुमारी, विजय राजवंशी के पुत्र बिमलेश कुमार, मुकेश राजवंशी की पत्नी गौरी देवी, शोहर राजवंशी के पुत्र शैलेश कुमार, जीतन राजवंशी के पुत्र रोशन कुमार, अशोक राजवंशी के पुत्र शिवा कुमार, सुरेश राजवंशी के पुत्र आशीष कुमार व तुलसी राजवंशी के पुत्र अरुण कुमार के रूप में की गई है। घायलों के परिजनों ने बताया कि इलाज के उपरांत थाना को लिखित आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज करवाई जाएगी। नवादा से सनोज कुमार संगम की रिपोर्ट। क्या नाम है? पिताजी कहाँ घर हुआ? क्या मामला हो गया था? कैसे खेत में? किसके खेत में? तो कौन मारपीट किया है तुम्हारे? यादव लोग किए थे। कहाँ यादव है? चौथा से। कितने लोग थे उन लोग? दो। उन लोग की चिंती है, नाम पता है? सर हम लोग चिंती हैं। अच्छा क्या नाम है? गौरी देवी। अच्छा पति का? क्या मामला हुआ? कुछ ना उनके साथ कर जान के दवा लखन गारा कर चंदन गारा कर चंदन बोला कि मरदा नोन के मरदा के बोला कि ना पहले एक मरदा लाठी लगा ले तो मरदा दूसरा मरदा तो फाउल कर दे तो